सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां पुनः सर्वेषां स्वागतमस्ति। प्रिय छात्राः, अद्य वयं षष्ठी कक्षायाः संस्कृत विषयं पठामः। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठवीं के विषय संस्कृत के पाठ 16 दीपावली ही पाठ का दूसरा भाग आज पढ़ेंगे। तो आप सब तैयार हैं? अच्छा, हाँ ठीक है। पिछले पाठ में हम दीपावली पर्व के विषय में बहुत कुछ सीखा था, अब उससे आगे हम पढ़ते हैं। गृहेषु जीर्णानां वस्तुनां स्थाने नवानि वस्तुनि आनीयन्ते। गृहेषु माने घरों में, जीर्णानां वस्तुनां स्थाने नवानि वस्तुनि आनीयन्ते। जीर्णानां वस्तुनां, जीर्ण माने पुराने, टूटे फूटे पुराने, वस्तुनाम वस्तुओं के स्थाने स्थान में, नवानी नए नए वस्तुनि वस्तु आनीयन्ते लाए जाते हैं। अर्थात दीपावली पर्व के समय घरों में पुराने वस्तुओं के स्थान में नए नए वस्तुओं को लाते हैं। चित्रैः मूर्तिभिः च गृहाणि सुसज्जितानि क्रियन्ते। चित्रैः मूर्तिभिः च, चित्रैः, चित्रैः माने चित्रों से, चित्र चित्र लगाते हैं ना घरों में, फोटो है ना, विभिन्न प्रकार के फोटो से, चित्रों से, मूर्तिभिः और मूर्तियों से, सुंदर सुंदर मूर्तियों से गृहाणि घरों को सुसज्जितानि सुसज्जित क्रियन्ते किया जाता है, करते हैं। अर्थात लोग अपने अपने घरों को सुंदर चित्रों से और मूर्तियों से सजाते हैं। मिष्टान्न विक्रेतारः नवनवैः मिष्टान्नैः पण्यालयानि सुसज्जितानि कुर्वन्ति। मिष्टान्न विक्रेतारः, मिष्टान्न माने मिठाई, विक्रेतारः माने बेचने वाले, जो मिठाई बेचने वाले हैं वो लोग नवनवैः, नवनवैः माने नए नए, मिष्टान्नैः मिठाइयों से, नए नए मिठाइयों से, पण्यालयानि सुसज्जितानि कुर्वन्ति। पण्यालयानि माने दुकानों को, सुसज्जितानि माने सुसज्जित, कुर्वन्ति करते हैं। दीपावली पर्व के समय में जो मिठाई बेचने वाले लोग हैं वो नए नए मिठाई बना करके अपने दुकानों में सजाते हैं, दुकानों को सजाते हैं। देखते हैं शब्दार्थ। जीर्णानाम, जीर्णानाम माने पुराने, आनीयन्ते लाते हैं, क्रियन्ते किए जाते हैं, कुर्वन्ति करते हैं। मिष्टान्न विक्रेतारः मिठाई बेचने वाले, पण्यालयानि बाजारों को, विपणीषु जनानां महति गतागतिः भवति। विपणीषु, विपणीषु माने बाजार में, जनानां लोगों का, महति माने बहुत अधिक, गतागति ही आवागमन है ना, गतागति माने आना जाना, भवती होता है। अर्थात दीपावली के समय में बाजारों में लोगों की बहुत आवागमन आना जाना होते रहता है, अर्थात दुकानों में बाजारों में भीड़ रहती है। महत कोलाहलम च भवती, महत माने बहुत
कोलाहलम, कोलाहलम माने हल्ला, आवाजें, च और भवती होता है, और बहुत आवाजें शोरगुल होती है। दीपावल्याम जनाः नूतनानि वसनानि धारयन्ति। दीपावल्याम दीपावली के पर्व में जनाः, जनाः माने लोग, सभी लोग, नूतनानि, नूतनानि माने नए नए, वसनानि कपड़े, वसन माने कपड़े, तो नए नए कपड़े धारयन्ति पहनते हैं लोग, जो है वो नए नए कपड़े पहनते हैं। कब पहनते हैं? दीपावली पर्व में पहनते हैं। ते पण्यवीथिकासु गत्वा बहुविधानि वस्तुनि क्रीणन्ति। ते, ते माने वे, वे कौन? लोग। पण्यवीथिकासु, पण्यवीथिकासु माने बाजारों में, गत्वा जा करके, बाजारों में जा करके, बहुविधानी, बहुविधानी मतलब बहुत प्रकार के, विभिन्न प्रकार के वस्तुनी, वस्तुओं को, वस्तुनी माने वस्तुओं को, क्रीणन्ति, क्रीणन्ति माने खरीदते हैं, है ना, बाजार से हम सामान खरीदते हैं ना, हाँ, तो दीपावली के समय में लोग बाजारों में जाकर के विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को खरीदते हैं। शब्दार्थ को देखते हैं, क्या है? विपणीषु माने दुकानों में, महती बड़ी, गतागति ही आना जाना, कोलाहलम शोरगुल हल्ला, वसनानी कपड़ों को, धारयन्ति धारण करते हैं पहनते हैं, पण्यवीथिकासु बाजार की गलियों में, क्रीणन्ति खरीदते हैं। ते मिष्टान्नानि क्रीत्वा इष्ट मित्रेषु वितरन्ति। ते माने वे, वे लोग, है ना, जो दीपावली पर्व को मनाते हैं वे लोग, मिष्टान्नानि मिठाइयां, क्रीत्वा खरीद करके, इष्ट मित्रेषु वितरन्ति, अपने इष्ट मित्रों में वितरित करते हैं, बांटते हैं, मिठाइयों को खरीद करके लोग अपने इष्ट मित्रों में हैं बांटते हैं। ते नाना विधानि विस्फोटकानि। ते माने वे, वे कौन? लोग। कौन लोग? जो लोग दीपावली पर्व मनाते हैं वे लोग, विभिन्न प्रकार के, नाना विधानि माने विभिन्न प्रकार के, विस्फोटकानि, विस्फोटकानि मतलब पटाखे, आप लोग फोड़ते हैं ना दीपावली में फटाखे, हाँ, तो लोग विभिन्न प्रकार के फटाकों को, विस्फोटयन्ति फोड़ते हैं, विस्फोटयन्ति माने फोड़ते हैं, विस्फोटकानि माने पटाखे और विस्फोटयन्ति माने फोड़ते हैं। जनाः लक्ष्मीं पूजयित्वा, लोग लक्ष्मी की पूजा करके, पूजयित्वा पूजा करके, मिष्टान्नानि खादन्ति, मिष्टान्न खाते हैं, मिठाइयों को खाते हैं, मिठाइयों को कब खाते हैं? लक्ष्मी की पूजा करके फिर मिठाइयों को खाते हैं। अयम उत्सव भारतीय ही बहु उत्साहेन आयोज्यते। अयम उत्सव, इस उत्सव को, किस उत्सव को? दीपावली उत्सव को भारतीय ही, भारतीय लोग बहु उत्साहेन, बहुत उत्साह से, बहुत प्रसन्नता से, उत्साह से आयोज्यते, आयोजित करते हैं। कठिन शब्दों को देखते हैं, शब्दार्थ। कृत्वा माने खरीद कर, वितरन्ति वितरित करते हैं, विस्फोटकानि फटाकों को, पूजयित्वा पूजा करके, खादन्ति खाते हैं।
केचन जनाः दीपावल्याः रात्रौ द्यूत क्रीडां कुर्वन्ति। केचन जनाः, कुछ लोग, केचन माने कुछ, जनाः माने लोग, दीपावल्याः रात्रौ, दीपावली के रात्रि में, दीपावली के रात में, द्यूत क्रीडां, द्यूत क्रीडा मतलब जुआ, कुर्वन्ति करते हैं, जुआ का खेल करते हैं, अर्थात कुछ लोग दीपावली के रात में जुआ खेलते हैं। मद्यपानम अपि कुर्वन्ति, मद्यपान, मद्य मतलब शराब, पान मतलब पीना, मतलब कुछ लोग जो है जुआ खेलते हैं और शराब भी पीते हैं। अपि माने भी, कुर्वन्ति करते हैं, तथा अनर्गलम व्यवहरन्ति, और अनर्गल व्यवहार करते हैं, अर्थात अयोग्य व्यवहार करते हैं। एतत्तु न युक्तम, एतत् माने ये सब, न युक्तम उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? जुआ खेलना, शराब या मदिरा का पान करना, या अनर्गल की बातें करना, बुरा व्यवहार करना, ये सब उचित नहीं है, ये सब नहीं करना चाहिए। कठिन शब्दों को देखते हैं। केचन, केचन माने कुछ, द्यूत क्रीडाम माने जुआ, मद्यपानम शराब पीना, अनर्गलम व्यर्थ बेकार, व्यवहरन्ति व्यवहार करते हैं, न युक्तम उचित नहीं है। एषः महोत्सवः आनन्दोत्सवः च, एषः महोत्सवः, यह महोत्सव, यह महान उत्सव, यह पर्व, दीपावली का यह पर्व, आनन्दोत्सवः आनंद का उत्सव है, उमंग खुशियों का त्योहार है। कूत्सित कर्माणि परित्यज्य सर्वैहि श्रद्धया आनंदेन च आयोजनीयः। कूत्सित कर्माणि परित्यज्य, कूत्सित मतलब बुरे, कर्माणि मतलब कार्यों को, बुरे काम को परित्यज्य माने छोड़ करके, सर्वैहि सभी को, बुरे कामों को छोड़ करके सभी को, श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक, आनंदेन आनंद के साथ, आयोजनीय मनाना चाहिए, आयोजित किया जाना चाहिए। दीपावली का पर्व जो है ये महान उत्सव के साथ साथ आनंद उत्सव भी है, इसलिए बुरे काम को छोड़ करके सबको श्रद्धा पूर्वक, आनंद से, उमंग से, हर्ष के साथ दीपावली पर्व का आयोजन किया जाना चाहिए। कठिन शब्द को देखते हैं। कूत्सित कर्माणि, खराब कार्यों को परित्यज्य माने छोड़कर, सर्वैहि सभी को, आयोजनीय मनाया जाना चाहिए। तो बच्चों, पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आपने भाग एक और भाग दो दोनों को पढ़ लिया, और आपकी किताब में दीपावली के विषय में जितनी बातें बताई गई हैं वो सब अब आप जान चुके हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा गृह कार्य है, ये इस गृह कार्य को आप उतार लीजिए और फिर इसका हल लिख करके अपने संस्कृत के शिक्षक से इसकी जांच कराइएगा। तो देखिए, गृह कार्य निम्न शब्दों से धातु और प्रत्यय पृथक कीजिए। आपकी स्क्रीन में कुछ शब्द दिख रहे होंगे, जीत्वा, गत्वा, पूजयित्वा, कृत्वा और नीत्वा। इन शब्दों में जो धातु है और प्रत्यय है उसको अलग अलग करके आपको लिखना है। जैसे जीत्वा का क्या होगा, जी धन कत्वा, तो ऐसे ही आपको बाकी का लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, दीपावली पर्व के विषय में 10 वाक्य अपनी मातृभाषा में आपको लिखना है। दीपावली पर्व के विषय में
दस वाक्य, कितने वाक्य? दस वाक्य अपने अपने मातृभाषा में आपको लिखना है, ठीक है। तो इतना प्रश्नों को आप हल कीजिए और अपने संस्कृत के शिक्षक से इसकी जांच कराइए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः, पुनर्दर्शनाय।